एक महीने। हाँ, और शादी से पहले हम प्रेगनेंट थे, शादी से पहले रिलेशनशिप में, हाँ रिलेशनशिप में थी मैं। तो ये लोग बोले कि बच्चे को खत्म कर दो, उसके बाद हम बारात से शादी करेंगे। उसके बाद अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मेरे पेट में बच्चा था, उसका ऑपरेशन करवा दिया है। बोले वो लोग कि तुम अपने माँ के नाम से संपत्ति बेच करके 50-60 लोगों पे डिमांड कर रखे थे कि तुम ले। कितना डिमांड था? 50-60 लाख रुपए। वो संपत्ति कितने की होगी? शायद संपत्ति तो ऐसे 1 करोड़ की है। एक करोड़ बोल रहे हैं ना कि अब तुम पासवान हो, जात हो, पासवान जात से हो, दुसाद हो, ये हो वो डिस्कस। तो जाति सूचक, हाँ ये लोग बोलते हैं कि अब जाति सूचक दुसाद मुसर हो, तुमको नहीं रख सकते। नाम सुनीता कुमारी है। घर कहाँ हुआ आपका? मायके? मेरा मायके अमघट्टा है। मेरे पिता का नाम रामेश्वर पासवान है जी। और मेरा अंतर जाति ब्याह है। मेरा मेरे पति का नाम अवनीश कुमार है जी। मेरे ससुर का नाम धर्मेंद्र प्रसाद है जी। मेरे ससुराल माने चौक पश्चिम पंचायत वार्ड नंबर 1 में है। मामला क्या है? मामला यही है कि मेरे से शादी करके मुझे नहीं रख रहा है घर में। कौन? मेरे हस्बैंड अवनीश कुमार, उसके माता शैल देवी, उनके पिता धर्मेंद्र प्रसाद, उनके भैया आलोक कुमार, उनके चाचा बैजुसा, उनके एक और चाचा है जितेंद्र। तो कारण कारण क्या है कि आपको मतलब शादी करने के बाद नहीं रख रहे हैं? फिर देखिए, मैं पहले तो शादी करने के लिए तैयार थी नहीं। अच्छा, अवनीश कुमार मेरे ऑफिस में आया था। कौन से ऑफिस में? बालाजी मंडई। कहाँ पे? वो शांति नगर चौक पे है। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हो उसमें? मैं तो 4-5 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ। 4-5 साल से काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, अवनीश कुमार वहाँ पे आया था, गाड़ी लेने के विषय में आया था। अच्छा, फिर वो जो होता है नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ता है हम लोगों को। हम दिए तो वो हमको कॉल करके मैंने परेशान करने लगा। अच्छा, परेशान क्या बोल रहा था? बार बार बोल रहा था शादी के लिए। अच्छा। शादी कर लो, शादी कर लो मेरे से। मैं बोलती थी नहीं, मैं नहीं कर सकती शादी आपसे। तो बोलता था क्या प्रॉब्लम है? मैं बोली बहुत प्रॉब्लम है, मेरी अतीत थोड़ा सा बहुत ये है, टॉफ है, मैं नहीं कर सकती। फिर वो अपने मम्मी पापा को लेके आया, इसे मैं बार बार इग्नोर करती थी। तो मुझे बोलता था सुसाइड कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। बाद में कौन बोलता था सुसाइड कर लूंगा? अवनीश बोलता था। अवनीश? हाँ। अच्छा, जो आपको फोन कर रहा था, जो आपका पति है? हाँ हाँ। अच्छा, तो हुआ कि कुछ दिन तक वो लोग अच्छे से रखे। उसके बाद मेरी सास सैल देवी और मेरी जेठानी, उन लोगों ने मुझे बोले कि मेरे माँ के नाम से जो संपत्ति है, वो बोले वो लोग कि तुम अपने माँ के नाम से संपत्ति बेच करके 50-60 लोगों पे डिमांड कर रखे थे कि तुम ले। कितना डिमांड था? 50-60 लाख रुपए। वो संपत्ति कितने की होगी? संपत्ति तो ऐसे 1 करोड़ की है। 1 करोड़ की संपत्ति है? हाँ। अच्छा। 70-75 लाख की संपत्ति है। अच्छा। घर भी उस पे है। हाँ। मकान बना हुआ है, तो महंगी जमीन है। हाँ। तो वो लोग 50-60 लाख रुपया डिमांड कर रखे। तो मैं इन सब चीज़ से इनकार करती थी, मैं बोली ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर वो लोग इसीलिए इसी बात को लेकर के मेरे से बार बार टॉर्चर करते थे, मार पीट, मुझे गालियाँ देते थे बार बार, दुसादीन हो, चमाड़ीन हो, मुझे अनुसूचित जाति कर कर के ये लोग, मेरे सास सैलदेवी और मेरी जेठानी, मेरे भैंसुर यानी आलोक, मेरे ससुर धर्मेंद्र प्रसाद, मेरे हस्बैंड अवनीश, ये सब मुझे बहुत गाली देते थे, बहुत मारते थे, हमेशा दुसाद चमार कहते थे, गाली देते थे, मारपीट करते थे। इसके बाद मैं बहुत ये होते चली गई। ये लोग बहुत बार बार मजबूर करते थे, कभी बोलते थे दुसादिन चवाड़ी ये झाड़ू लगाओ। हाँ। अवनीश भी आता था कहीं से, मारता था झाड़ू लगाओ, उसके माता पिता आते थे तो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लेटरिन बाथरूम साफ करो, ये सब बोलते थे, तुम्हारा यही काम है, तुम नीच हो, तुम नीच जात से हो, ऐसे बोलते थे वो लोग। मैं सब चीज़ की सुन सुन के मैं बहुत हमेशा परेशान रहती थी, मतलब लोगों का अत्याचार फिर भी मैं सहती आई। एक दिन अचानक वो लोग मुझे बहुत मारे, बहुत मारपीट किए मेरे से, ये सब। मैं एक दिन उसके घर में बैठक हुई अपने फैमिली में, जिसमें अवनीश थे। अच्छा, क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है, अवनीश कुमार से मेरी मैरिज हुई थी। अच्छा। उसके घर फैमिली वाले 2 महीने तक मेरे साथ छोड़ा था उसको, उसके बाद अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे पेट में बच्चा था, उसका ऑपरेशन करवा दिया है। हम 3 बार इस पंचायत में आ रहे हैं अभी। उसका साबूत है आपके पास? हाँ, मेरे पास सारे एविडेंस है। हाँ, ऑपरेशन का भी है, मैरिड वगैरह का भी है, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्यों भीड़ लगी? अभी इसलिए भीड़ लगी हुई है क्योंकि अभी 3 दिन पहले अवनीश कुमार के फादर लोग गायब कर दिए। आप लोग चला रहे हैं?
गायब कर दिए हैं। और वो चीज है जो सही चीज बोलिए चलिए बताइए। फिर वो उसको 3 दिन पहले उसका भाई वही गायब कर दिया। उसका एक भाई था, एक और लड़का था, दो गाड़ी से गया था, उसको गायब कर दिया। अब उसका फैमिली अब यहाँ मार रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, तो उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि तुम गायब क्यों हो। और हम 3 बार इस पंचायत में आए, अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है। यहाँ तक यहाँ पे भी आए तो ये लोग बोल रहे हैं कानून के दरवाजे खटखटाओ। क्या यहाँ पे पंचायत जब हुआ है तो क्या उनके उनके पापा आए थे, उसके पापा उसका भाई आए थे, लेकिन समाज का बात नहीं मान करके वो यहाँ से निकल गया, भाग गया है। बगैर फैसला के ही बिना फैसला के ही यहाँ से उठ के भाग गया। शादी का क्या नाम है? शादी का तो मिनी हो गया, कितना हुआ? एक मिनी हो गया। हाँ, और शादी से पहले हम प्रेग्नेंट थे, यानी मैं प्रेग्नेंट थी ना शादी से पहले रिलेशनशिप में। हाँ, रिलेशनशिप में थी मैं शादी से पहले। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो ये लोग बोले कि बच्चे को खत्म कर दो, उसके बाद हम बारात से शादी करेंगे। हम शादी कहाँ की है? मेरा शादी मंदिर में हुआ है, जानकी मंदिर में। रसीद वसीद कुछ है शादी का? शादी का पेपर उसके फोन में है, ऐसे मिल जाएगा मेरे पास है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता कुमारी है, हम डुमरा भट्टा से हैं। पिताजी का नाम? पिता का नाम रामेश्वर पासवान है। जहाँ आपकी शादी हुई उनका क्या नाम है? उनका अवनीश कुमार। उनके पिताजी का? उनके पिता का नाम है आपको धर्मेंद्र प्रसाद। कितने दिन हो गया शादी का? शादी का ऐसे 1 महीने हो गया, रिलेशनशिप में 4 महीने से 5 महीने से थे। पहले आप लोग साथ थे क्या? हाँ, पहले साथ ही थे हम दोनों। तो अब क्यों नहीं रख रहे हैं आपके पति? अब ये इसलिए नहीं, पता नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि अब तुम पासवान हो, जात हो, पासवान जात से हो, दुसाद हो, ये हो, वो डिस्कस। तो जाति सूचक सब करते हैं? हाँ, ये लोग बोलते हैं कि अब जाति सूचक दुसाद मुसर हो, तुम नहीं रख। क्या शादी से पहले वो ये नहीं सोचे थे पासवान है? उनको पता नहीं था? सब कुछ सबको पता था, यानी उसकी मम्मी पापा भाई सबको पता था कि मैं कौन सी जात से हूँ। ये लोग वो लोग ये बोले थे कि तुम दो लोग 2-3 महीने बाहर रहो, उसके बाद हम जात छपा के शादी करेंगे। कौन बोले थे? से इसके पापा, इसके जीजू सुशील नाम है, उसका भाई आलोक नाम है। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति कोई काम वाम नहीं करते, बस यूं ही एक आदमी। ससुर जी क्या करते हैं? मेरे ससुर पेशा से एक डॉक्टर है और सरपंच भी। इसके बाद ये लोग है ना, मेरे इसके मम्मी पापा आए हमसे 13 फरवरी को मिलने पुनौरा धाम पे। 13 फरवरी को? हाँ, कहाँ मिलने के लिए आए? पुनौरा धाम पे आए। पुनौरा धाम पे कौन कौन आए थे साथ में? उनके मम्मी थी शैल देवी। हाँ। उनके पापा थे धर्मेंद्र प्रसाद, उनके भैया थे आलोक कुमार, उनकी भाभी थी। ये धर्मेंद्र प्रसाद कौन है? मेरे ससुर है। पेशे से क्या है वो? पेशे से वो डॉक्टर भी है और सरपंच भी है। सरपंच भी है? हाँ। और वो है ना, मैंने बहुत टॉप क्लास के, जैसे वो लोग, वो थोड़ा सा उनका माइंड है ना दूसरे टाइप का, उसी से लड़ाई सिर्फ लड़ने की ये करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। आप ये ले लीजिए ना, हम उसके घर की बहू के हैं, बहू है, और फिर भी वो मेरे लिए, मेरे मुझे नहीं इंसाफ दिला रहे हैं। अच्छा, तो शादी हुई कैसे जब? मेरी शादी मतलब जैसे उसकी जो है ना, मेरी शादी हुई थी, मैं इनकार कर रही थी। मेरे सास ससुर सब मुझसे मिलने आए थे, मेरी सास बोल रही थी कि तुमने मेरे बेटे शादी करने के लिए, मैं बोली मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी अतीत बहुत ये है, मैं शादीशुदा थी, मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, तो मैं नहीं कर सकती, बट मुझे उस घर से कोई रिलेशन नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मेरी अतीत थोड़ी सी टॉप है। वो लोग बोले मुझे तुम्हारी अतीत से कोई लेना देना नहीं है, मैं सब कुछ जानबूझ के तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मेरी बेटे की ज़िंदगी तुम्हारे जान में बसता है, इसलिए तुम मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो। ये लोग मुझे बहुत प्रेशर दिए, उसकी माँ आंचल फैला के मेरे बेटे की ज़िंदगी मांग रही थी मेरे से शादी करवाने के लिए। फिर मैं लास्ट में मजबूरन मैंने हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद मेरी शादी हुई 22 मार्च को जानकी मंदिर में। अच्छा। जिसमें उसके पक्ष के सारे लोग थे, उसके माता पिता भाई हो जाए थे। हाँ।